हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन लेसन 11 रॉक्स एंड मिनरल्स। ओके, इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 11 एक्सप्लेन करूँगा। इससे जो बैक चैप्टर था लेसन 10, वो आपका कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है ना। उस चैप्टर को आपको स्टडी नहीं करना है, क्योंकि उससे कोई भी क्वेश्चंस एनुअल एग्ज़ाम में या किसी भी टेस्ट में नहीं आएंगे। तो इसलिए चैप्टर 10 कैंसिल कर दिया गया है। आप चैप्टर 10 पे क्रास लगा दीजिएगा, ठीक है ना, और चैप्टर 11 को फिल करिएगा, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे, 10 से आप नहीं करेंगे। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। रॉक्स एंड मिनरल्स, फर्स्ट पैराग्राफ, द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज मोस्टली मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स आर फाउंड एवरीवेयर इंक्लूडिंग द हिल्स, माउंटेन्स, अंडर द सी, रिवर्स एंड इन वैली। देखिए, फर्स्ट टाइप आप इसको फॉलो करिएगा, जैसे मैं रीड करूँगा उसी तरीके आप भी फॉलो करेंगे, ठीक है ना। आप एक बार पहले रीड करेंगे, फिर उसका जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, एक एक लाइन और एक एक वर्ड्स, ठीक है। पेबल्स, स्टोन्स, सैंड एंड सॉयल आर फॉर्म फ्रॉम रॉक्स। रॉक्स आर फाउंड इन मेनी कलर्स लाइक वाइट, ब्लैक, रेड, ग्रे, एटीसी। सम रॉक्स आर हार्ड एंड सम रॉक्स आर सॉफ्ट, लेट अस स्टडी अबाउट देम। फर्स्ट है हार्ड रॉक्स। हार्ड रॉक्स आर मोस्टली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। मार्बल, ग्रेनाइट एंड सैंड स्टोन आर सम हार्ड रॉक्स। मार्बल्स, मार्बल इज ए हार्ड रॉक एंड इज यूजली वाइट, ग्रे और ब्लैक। इट इज यूज फॉर मेकिंग स्टैचू एंड बिल्डिंग्स। द फेमस ताजमहल इज आगरा इज मेड अप ऑफ वाइट मार्बल्स। नेक्स्ट ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज ए वेरी हार्ड रॉक। इट डज नॉट ब्रेक ईजली। इट इज मोस्टली यूज टू मेक फ्लोर्स एंड किचन स्लैब्स। इट इज यूजली रेडिश ब्राउन, डार्क ग्रे और ग्रीन। ओके, अब इसको आप फॉलो करिएगा। अब मैं एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ, उसको देखिएगा स्टार्टिंग से। द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी का आउटर बाहरी परत है, ठीक है ना, पृथ्वी के बाहरी परत इज मोस्टली मेड अप ऑफ रॉक। ये मोस्टली जो है रॉक्स और मिनरल्स से बने हैं। रॉक्स मतलब आपका चट्टान, पत्थर, ठीक है ना, और मिनरल्स मतलब होते हैं खनिज, ठीक है। ये चट्टान और खनिज से बने हुए हैं, जो पृथ्वी का बाहरी परत है, ठीक है। आगे देखिए, रॉक्स आर फाउंड एवरी वेयर। जो रॉक्स होते हैं वो सभी जगह पाए जाते हैं, प्रत्येक जगह जो है रॉक्स पाए जाते हैं, चट्टान पाए जाते हैं। इंक्लूडिंग द हिल्स, जो कि इंक्लूडिंग द हिल्स, हिल्स में माउंटेन्स, अंडर द सी, रिवर्स एंड इन वैली। वैली मीन्स घाटी, ठीक है ना, घाटियों में भी। पेबल्स, स्टोन, पेबल्स, स्टोन, सैंड एंड सोयल आर फॉर्म फ्रॉम रॉक्स। पेबल्स मतलब होता है कंकड़, जो कंकड़ होते हैं वो। पेबल्स, स्टोन, पत्थर, ठीक है, सैंड, बालू एंड सोयल, मृदा यानी मिट्टी, आर फॉर्म फ्रॉम रॉक, जो रॉक से बने होते हैं। जब ये टूटते हैं तो यही पेबल्स बनते हैं, स्टोन बनते हैं, सैंड बनते हैं, सॉइल बनते हैं। किससे बनते हैं? रॉक्स से, ठीक है ना, जब ये टूटते हैं। रॉक्स आर फाउंड इन मेनी कलर, ये जो रॉक्स होते हैं कई कलर में भी पाए जाते हैं, लाइक वाइट, जैसे सफ़ेद, ब्लैक, काला, रेड, लाल, ग्रे, स्लेटी, ईटीसी, ठीक है। ये जो रॉक्स है कई कलर में भी पाए जाते हैं, जैसे हम लोग के घरों में देखिए जो किचन बना होता है उस पर जो है मार्बल लगे होते हैं, ब्लैक कलर के लगे होते हैं, लेकिन जो हम लोग का फर्श हम लोग के घरों में होता है वो वाइट कलर का होता है। कहीं कहीं आप ग्रीन कलर के भी देखते हैं किचन में यूज होते हैं, ब्लैक होते हैं, ग्रीन होते हैं। तो इस तरीके ये सब क्या है, ये सब आपके मार्बल्स होते हैं, ग्रेनाइट्स होते हैं, ठीक है ना, लेकिन है ये रॉक, सब ये रॉक्स में ही आते हैं, ये रॉक्स का एक टाइप्स होता है, ठीक है, अभी हम उस पर भी आते हैं। सम रॉक्स आर हार्ड, देखिए सम रॉक्स आर हार्ड, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही हार्ड होते हैं, एंड सम रॉक्स आर सॉफ्ट, और कुछ ऐसे भी रॉक्स होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम, अब चलते हैं हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना, समझेंगे ये है क्या। पहला टॉपिक है आपका हार्ड रॉक्स, ठीक है, हार्ड रॉक जो कठोर चट्टान होती हैं वो क्या होती हैं। हार्ड रॉक्स आर मोस्टली यूज्ड इन द
कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, जो कठोर चट्टाने होती हैं इस ये मोस्टली जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज होते हैं कंस्ट्रक्शन में, किसी चीज़ को बनाने में, ठीक है ना। ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के किसी भी पार्ट्स, बिल्डिंग बनाने के लिए ऐसा समझिए कि हम कठोर जो होते हैं उनके चट्टानों का प्रयोग करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है ना। तो बिल्डिंग को बनाने के लिए जो है मोस्टली हम हार्ड रॉक का यूज करते हैं, ठीक है ना, कठोर जो है चट्टानों का प्रयोग करते हैं, पत्थरों का, ऐसे समझिए। मार्बल्स, अब देखिए ये इसके टाइप्स हैं, मार्बल्स होते हैं, ग्रेनाइट्स होते हैं, एंड सैंडस्टोन और सम हार्ड रॉक्स, ठीक है ना। कुछ हार्ड रॉक्स में जैसे मार्बल हो गए, ग्रेनाइट हो गए, एंड सैंडस्टोन और सम हार्ड रॉक्स। तो सबसे पहले हम चलते हैं मार्बल पे। मार्बल क्या होता है, ये किस काम आता है, ठीक है ना। तो मार्बल इज ए हार्ड रॉक्स, मार्बल एक हार्ड कठोर जो है चट्टान है, एंड इज यूजली वाइट या संभवतः जो प्रायः जो है सफ़ेद होते हैं, ठीक है ना, ग्रे स्लेटी होते हैं, और ब्लैक काले होते हैं। इट इज यूज फॉर मेकिंग स्टैचू एंड बिल्डिंग्स, ये स्टैचू बनाने के लिए प्रयोग होते हैं और बिल्डिंग बनाने के लिए। द फेमस ताजमहल, आप ताजमहल आगरा का सुने होंगे, ठीक है ना, पिक्चर में देखे होंगे, कुछ लोग तो जाके भी देखे होंगे, ठीक है ना। ताजमहल इज आगरा इज मेड अप ऑफ वाइट मार्बल, ये सफ़ेद जो है मार्बल से बने हुए मार्बल, यहाँ पे हिंदी में हम बोलेंगे इसको संगमरमर, ठीक है ना। तो ये जो सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है, ठीक है, इसे हम मार्बल, इंग्लिश में मार्बल बोलते हैं, हिंदी में संगमरमर बोलेंगे, सफ़ेद मार्बल से। अगला टॉपिक है ग्रेनाइट, ओके। ग्रेनाइट इज ए वेरी हार्ड रॉक, यह जो है सबसे हार्ड रॉक है, ठीक है ना। इट डज नॉट ब्रेक इजिली, ये आसानी से नहीं टूटते हैं, ठीक है ना, इट डज नॉट ब्रेक इजिली। इट इज मोस्टली यूज टू मेक फ्लोर, या मोस्टली फ्लोर यानी फर्श को बनाने में यूज होते हैं, एंड किचन स्लैब, और जो किचन का स्लैब होता है उसे बनाने में यूज किया जाता है। इट इज यूजली रेडिश ब्राउन, ये लाल जो है भूरा में पाया जाता है, लाल और भूरे रंग में ही पाया जाता है। डार्क ग्रे, डार्क ग्रे यानी कि बिल्कुल डार्क ग्रे आपका स्लेटी में पाया जाता है, ठीक है ना, और ग्रीन या ग्रीन में होगा। तो ये सब जो कलर्स होते हैं ये ग्रेनाइट के कलर होते हैं, रेडिश ब्राउन, डार्क ग्रे और ग्रीन, ये ग्रेनाइट होते हैं, ठीक है ना, और ये वेरी हार्ड रॉक होता है ग्रेनाइट्स, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैंने पेज नंबर 66 लेसन 11 रॉक्स एंड मिनरल्स को एक्सप्लेन किया है वन पेज, ठीक है। बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक आप इस वीडियो से आप अच्छे से इसे रीड कीजिएगा, जो एक्सप्लेनेशन है उसे सुनिएगा, समझिएगा, और इससे जो हार्ड वर्ड जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इसे आप नोटबुक पर जो है राइट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।